जम्मू के भदरवा में सरकारी कार्यालयों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए उपमंडल मजिस्ट्रेट SDH भदरवा, जहां वह लंबे समय के बाद से 3 डॉक्टरों अनधिकृत अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाया, निरीक्षण किया गया। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान SDM भदरवा ओवेश अहमद, 3 अधिकारी जो एक सलाहकार स्त्री रोग विशेषज्ञ और अपने कर्तव्य से महीने के बाद से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित, 2 चिकित्सा अधिकारियों को शामिल पाया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM कुछ समय के भीतर सभी अनुपस्थित डॉक्टरों से एक जांच और यह भी मांग स्पष्टीकरण शुरू कर दी है। बिल्डिंग तो अच्छी है, लेकिन खारी बिल्डिंग के अच्छे होने से नहीं ना है। यहाँ पे हमने देखा कि एनेस्थेसिया नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट, वो होने चाहिए। तो ये है कि वो जब से मतलब उनकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है वो आए नहीं है, तो लीव पे हैं, कहाँ पे हमें पता नहीं। और हमारी खातिन कितनी बेबस है यहाँ पे, जिनको पूछता नहीं कोई यहाँ पे, उनको यहाँ से फिर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे साथ कहीं दूसरे दर्जे के शहरी होने का वो उस तरह से हमें बदला तो नहीं लिया जा रहा है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ पे कम से कम इस अस्पताल को देखें, क्योंकि हम भी इसी हिंदुस्तान में बसते हैं, हमारा घर है, हमें यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से एक बार फिर अपील करता हूँ कि कम से कम हमें गायनोकोलॉजिस्ट और एनेस्थेसिया जैसी सहूलियात जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। कल SDM ने काम बनेगा या कि कोई ऐसा तरीका लाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर जिस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल मैं बिल्कुल उनसे SDM साहब से मतलब मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। जो भी फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है, भदरवा की जनता के लिए, भदरवा की आवाम के लिए बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ऐसे ऑफिसर होने चाहिए जो यहाँ पे केयर टेकर और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए, और जो जिसकी वजह से लोग भी सफर ना हो और लोगों के भलाई के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। हम बिल्कुल भदरवा की जनता की तरफ से उनको कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे ऑफिसर हमारे पास है और यहाँ पे शायद हमें लगता है अब सिस्टम ठीक चलेगा। 3 डॉक्टर्स जो हैं वो अनऑथराइज एब्सेंट हैं और काफ़ी टाइम से एब्सेंट हैं, तो मैंने डायरेक्शन दी है कि उनके खिलाफ एक एक्सप्लेनेशन पहले कॉल की जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या वजह है, ताकि उनसे फर्दर एक्शन लिया जा सके। उसके अलावा बाकी मैंने स्टोर वगैरह भी इंस्पेक्ट किए और जो मशीन्स वगैरह हैं वो भी देखी, तो मोस्ट ऑफ देम आर इन वर्किंग कंडीशन। जिनको थोड़ी रिपेयर की जरूरत है कुछ है, मैंने वो भी बोला है इनको कि हमें लिख के भेजे कि अगर फंड्स की कमी है क्या है, ताकि हम इसको आगे रिकमेंड कर सकें इनके डिपार्टमेंट को और वो फंड्स रिलीज हो सकें।